हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज मैं आ चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो लेकर। ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैं कैसे अपनी बीट सिंह की वीडियो बनाई, उसका ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। गाइस बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझे DMs आए कि कैसे तुमने ये वीडियो एडिट की है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और जिन जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो जाकर जरूर देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। तो गाइस मैं उसी का आपको ट्यूटोरियल बताऊँगा, तो बने रहिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ लगेगा। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको स्मूथ एक्शन, स्मूथ कैम, ये आपको ऐप खोल लेना, ये आपको प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसको आप ओपन कर लो। तो गाइस ये ओपन हो गया, तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ओपन फाइल में। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है कोई भी वीडियो जो आपने शूट कर रखी है, जिस जोन से शॉट को आपको वो करना है, स्मूथ करना है, स्लोमो में करना है, तो वो सिलेक्ट कर लो। आप ये शॉट लिया मैंने, ठीक है, ये गाइस ये शॉट है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग क्या करनी है वो देख लो। सेटिंग सबसे पहले गाइस इसका जो ये है ना, फास्ट और स्लो, ये वाला परसेंटेज आपको रखनी है नियर अबाउट 30-35 के बीच में, 30-35 के बीच में रखनी है, तो आपकी मतलब अच्छी स्लोमो दिखेगी रिजल्ट में। अभी यहाँ तो आपको कुछ नहीं ठीक से दिखेगा, ये हो जाएगा। तो ये आपको 33% मतलब 30-35 के बीच में आपको रखना है। और उसके बाद आपको खोलनी है अपनी सेटिंग, ये देखो नीचे लिखी है ना सेटिंग, सेटिंग्स पे जाके ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे सिंपल स्मूथिंग पे, इसको आपको चेंज करने मोशन पे, मोशन इंटरपोलेशन पे कर देना है। ये बेटर आपको रिजल्ट देगा उससे, क्योंकि वो थोड़ा इतना भी स्लो नहीं करेगा, लेकिन वो स्मूथ कर देगा, लेकिन इतना स्लो नहीं करेगा अच्छे से। तो ये है आपका मोशन इंटरपोलेशन, इसको आपको कर देना है और एडवांस ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपको कोई भी रख सकते हो, मैं तो कहता हूँ कि ओरिजिनल ही रखो, जो आपने वीडियो शूट किया उसका ओरिजिनल ही रेजोल्यूशन रहने दो, वो बेटर रहेगा। और आपको जो FPS रखने है ना 60 कर दो गाइस, 60 पे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्मूथ मिलेगा एकदम। अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद सेव सेटिंग करके उसी वक्त एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शेयर में यहाँ पे क्लिक कर दो, बस उसी वक्त करना है, क्योंकि वो सेटिंग फिर बाद में दोबारा से करनी पड़ती है अगर आप कोई सेटिंग हिला देते हो तो। तो गाइज ये हो जाएगी। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो इसीलिए गाइज मेरी वीडियो में ज़्यादा टाइम लगा था पिछली वाली, तो अभी एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो ये गाइज जब तक हो जाता है मैं आपको सीधा ले जाऊँगा, क्योंकि सो गाइस उस ऐप से आपका जो शॉट था वो सेव हो जाएगा। तो अभी गाइस आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना, आपको काइनमास्टर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहाँ से आपको ये वाला काइनमास्टर डाउनलोड करना है। इसमें आपको फ्री एक्सेस है सभी चीज़ों का, जैसे सिंपल काइनमास्टर वो थोड़ा पेड है उसमें कुछ फंक्शंस, तो ये आपको मैं लिंक दे दूंगा ये वाले काइनमास्टर का। तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, 16:9 को ये प्रोजेक्ट आपको चूज़ करना है, और इसमें से गाइस वीडियो आपको चूज़ करनी है जो अभी स्मूथ एक्शन कैम वाला। आप फोल्डर ढूंढ लो कहाँ पे है, स्मूथ एक्शन कैम का फोल्डर कहाँ पे है, ये रहा। और यहाँ पे मैंने कुछ शॉट्स कर रखे हैं, तो मैं कोई भी शॉट्स ले लेता हूँ जो मैं आपको करके बताऊँगा, जैसे ये ले लिया, फिर इसके बाद कौन सा कोई भी ले लो गाइस, ये ले लिया, दो शॉट्स ले लिया मैंने, तो ये रहा ये गाइस। इसकी आपको साउंड है ना दोनों शॉट्स की वो बंद कर देनी है, दोनों वीडियोस की, मतलब हर वीडियो जो भी आप वीडियोस में ऐड करोगे सभी की साउंड आपको ऑफ रखनी है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको वो सॉन्ग ऐड करना है जो आप अपनी वीडियो में यूज़ करना चाह रहे हो, वो सॉन्ग मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं पिछले वाला ही अपना सॉन्ग ऐड करके दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था, ये है वो शॉर्ट सॉन्ग, सॉरी ये है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बीट कैसे मार्क करनी है, जहाँ पे आपका शॉट और बीट एक साथ मिलेंगे। सबसे पहले आपको सॉन्ग सुन लेना, सॉन्ग सुनने के बाद जहाँ जहाँ बीट्स है ना, बीट जहाँ पे आ रही है वो आपको वहाँ पे जाके मार्क करना है। मार्क कहाँ करना है, जहाँ ऊपर ये देखो सेकंड शो हो रहे हैं ना 0018.674, यहाँ पे आपको जस्ट ऐसे क्लिक करना है तो मार्क हो जाएगा, क्लिक करोगे मार्क हट जाएगा, ऐसे मार्क करना है जहाँ पे बीट बजेगी उसी वक्त। मैं बताता हूँ बीट यहाँ पे लगी,
अभी आएगी बीट, देखना गाइस ध्यान से, ये बीट आएगी एक एक बीट हुई, ये दो दो बीट्स हो गई। मतलब बीच में यहाँ पे भी एक बीट आई थी, वो मैंने मिस कर दी। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे बीट आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद शॉट कैसे एडिट करना है, वो देख लो। सबसे पहले आपने ये वीडियो को है ना आगे आगे करते जाना है, जहाँ पे आपका शॉट हिट किया है तो आपको शॉट को लेके जाना है, ये यहाँ पे हिट किया, स्प्लिटेड प्ले हेड कर देना आपको। फिर इसके बाद ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको आपने करना है, इसकी जो स्पीड है स्पीड को लास्ट तक ले जाना। वैसे ज़्यादा होगी तो आप 8 टू 10 के बीच में रख सकते हो, 14 भी कर सकते हो, इसके बीच में रख सकते हो, लेकिन यहाँ तक जाएगी वहाँ तक कर देना है। ओके, तो इसके बाद फिर से गाइस ये क्लिप को जूम कर लेना जो हमने स्पीड बढ़ाई है वीडियो की क्लिप की। यहाँ पे फिर से आपको ये इसमें जाना है जहाँ पे ये सीजर बनी हुई है, तो आपको तब तक आगे आगे करते जाना है जब तक आपका स्प्लिट हेड प्ले हेड का ऑप्शन अवेलेबल, ये देखो यहाँ पर आ गया अवेलेबल। तो मैं यहाँ पर फिर से प्ले हेड स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पर वीडियो को। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है पीछे वाला, उसकी स्पीड को आपको फिर से 1x कर देना है। तो आपका जो शॉट है वो देखो यहाँ पे स्लो जाएगा, यहाँ से लगा फिर से स्लो। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने शॉट सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे लगा, और ये देखो जो फर्स्ट बीट थी यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है, ये देखो ये मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जो पीछे से ना ये वाली साइड से आपको वीडियो छोटी करती जानी है जब तक जो आपने शॉट कट किया वो आपके पहले मार्क तक ना आ जाए। ये मेरा मार्क गया ये शॉट पे इतने पीछे, हाँ यहाँ पे शॉट शुरू हो रहा है, तो ये मेरा मार्क गया यहाँ पे। एक मिनट में प्ले करके देख लेता हूँ, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है गाइस। ऐसे आपको शॉट जो है सिंक करना, ऐसे इजी, सबसे इजी मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप छोटे करते जाना, जहाँ पे आपकी बीट और शॉट मैच कर जाए वहीं पे आपको बस ओके कर देना। तो ये देखो एक बार फिर से मैं प्ले करके बता देता हूँ, ये देख लगा शॉट ओके। तो अब मैं सेकंड क्लिप को भी सेम ऐसे ही एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब प्ले करके बताता हूँ मैं, ये देखो लगा। अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आउटिंग नहीं दिखेगी जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो ये मैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्टिंग की भी बता देता हूँ कि कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। ये देखो एक्सपोर्टिंग पे आ गए, तो आपको कौन से फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करना है, ये आपको एचडी पे करके बिटरेट फुल कर देना है। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्टिंग में यहाँ पे कम टाइम लगता है गाइज, स्मूथ एक्शन गेम स्लोमो में, तो एक्सपोर्ट होने दो। तो गाइज वीडियो मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो मैं आपको प्ले करके रिजल्ट दिखा देता हूँ जो फाइनल रिजल्ट आया। तो गाइज ये है वीडियो, मैं आपको थोड़ी आगे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में कट करना होगी। ये है वीडियो गाइज देखो, तो गाइस ये थी बीट सिंक का बेसिक, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप बेसिक है, ऐसे आप बीट सिंक बना सकते हो कहीं भी, कौन कोई से भी सॉन्ग में गाइस, जो आपको सॉन्ग पसंद है चाहे वो बीट फास्ट हो स्लो हो जैसी मर्जी हो। अगर फास्ट है तो फिर आपको स्मूथ एक्शन कैम की ज़रूरत भी, उसकी शायद कोई यूज़ नहीं है उसका उसमें, क्योंकि फास्ट बीट में स्लो करने की कोई हमें कोई है नहीं, ज़रूरत ही नहीं है स्लो करने की, तो आप फास्ट में भी ऐसे ही बना सकते हो। तो ये है गाइस बीट सिंक का बेसिक मैं आपको बता दिया। अगर गाइस आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो गाइस लाइक कर देना, और जो न्यू आए हैं वीडियो पे सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड शेयर कर देना जो आपके फ्रेंड एडिटिंग करते हैं, जो एडिटिंग करना चाहते हैं उनको गाइस शेयर कर देना, वो खुश होंगे वीडियो देख के। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, एंड गाइस जल्द ही न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। सो बाय बाय गाइस।